ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, हर इंसान धन कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है और ये कहावत आपने सुनी होगी कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन दोस्तों, कई बार इंसान मेहनत तो करता है और उसके बाद भी उसे मेहनत का फल नहीं मिल पाता। मेहनत के साथ साथ कुछ उपाय भी ज़रूरी होते हैं जो हमें धन प्राप्ति में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि किन उपायों को करने से हमारी धन से संबंधित समस्याएँ दूर होती है। दोस्तों, अक्सर कई बार हम पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं है, तो माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन आप एक सिक्का चढ़ाकर उस सिक्के को शाम के टाइम उठा करके आटे के डब्बे में रख दीजिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में पैसा टिकने लगेगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में बरकत भी होने लगेगी। कभी कभी हमें अपनी विरासत का धन मिलने में परेशानी होती है, भाइयों में झगड़ा होता है, कोई देना नहीं चाहता या कोई कब्जा कर लेता है। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन पानी का एक नारियल माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। कभी कभी हम पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा फिजूल खर्ची हो जाता है, तो इसके लिए अपने पर्स में शुक्रवार के दिन 7 लौंग रखिए। ऐसा करने से आपको फिजूल खर्ची से राहत मिलेगी। दोस्तों, शुक्रवार के दिन ये उपाय आपको इसलिए करने हैं क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन इन उपायों को करने से आपको धन से संबंधित समस्याएँ दूर होती है। लोग बाग पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का ऐसा चित्र जिसमें वो कमल पर बैठी हो, ये आपको शुक्रवार को अपने घर में स्थापित करना है और रोज सुबह नहा धोकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी को आपको गुलाब का इत्र एक कॉटन में लेकर के उनको लगाना है और ये इत्र आपको खुद को भी लगाना है। ऐसा करने से आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। यदि आप जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं कि हमारी नौकरी में हमें दिन रात हमारी तरक्की होती रहे, तो इसके लिए शाम की पूजा करने के बाद जब आरती करें तो उसमें थोड़ा सा कपूर ज़रूर डालें। ऐसा करने से आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, दोनों में आपकी तरक्की होगी। इसके अलावा जो दूसरा उपाय आपको करना है, शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको जाना है और वहाँ शाम के समय आपको एक मिट्टी के बर्तन में मिठाई ले जानी है और थोड़ा सा पानी ले जाना है। ये दोनों ही चीज़ आपको मिट्टी के बर्तन में लेकर जानी है। इसके बाद आपको पीपल की 7, 11, 21 या अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको वहाँ पर परिक्रमा करनी है और अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। आपका पैसा कहीं रुक गया है, फंस गया है, आपने किसी को पैसा दिया है, वहाँ से आपका पैसा नहीं वापस आ रहा है, तो शुक्रवार को गरीबों को आप सफ़ेद रंग की मिठाई, जैसे ये बताशे होते हैं, चीनी होती है, या कोई बर्फ़ी आप सफ़ेद रंग की खरीद कर उनको दान कीजिए, कपड़े बांटिए। और ये काम जो है आपको शुक्रवार की रात में लोटे में जल डालकर और उसमें एक चम्मच दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारा जितना भी रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, वो जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाए। इसके अलावा गुड़हल के फूल की आपको एक माला बनानी है जो आपको माँ दुर्गा को शुक्रवार के दिन अर्पित करनी है। आपका कहीं भी पैसा रुका हुआ है, धीरे धीरे आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए चाहते हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं, आपके घर में धन का आगमन हो, तो जिस काम के लिए भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो साइकिल पे या किसी गाड़ी में अपना सामान बेचते हैं, तो वो अगर पैसा कमाना चाहते हैं कि हमारा आज का दिन अच्छे से गुजरे, तो जब भी आप घर से बाहर जाएँ तो एक पानी का लोटा अपने मुख्य द्वार पर रख जाइए। ऐसा करने से आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी को शुक्रवार को कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल देते समय गुड़हल का फूल रोली डालकर अर्पित करने से आपका रुका हुआ पैसा जल्द ही आपके पास वापस आएगा। सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं तो आपके ऑफिस में जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ मेज पर आपको एक प्लेट में कछुआ रखना है। कछुआ आप पीतल का, कांच का या मिट्टी का कैसा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे धन प्राप्ति के उपाय। इन उपायों को करने से, यानी कि आपको साथ साथ मेहनत भी करनी है और मेहनत के साथ साथ आपको इन उपायों को भी करना है। इन उपायों को करने से धन से संबंधित समस्याएं व्यक्ति की दूर होती है और घर में पैसे का आगमन होता है, पैसे की बरकत होती है, धन के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं, इंसान की नौकरी में तरक्की होती है, बिजनेस में तरक्की होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बिल्कुल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।